कल किस तरह बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी वर्क करने वाला है चलिए इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने सेटअप आपको दिया हुआ है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है आप जाके उसको सीख सकते हो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कितने सारे ट्रेड उसमें हुए ठीक है स्क्रीन पर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर साइड में यानी कि मॉर्निंग में ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गया कि एक ट्रेड नीचे साइड में यहाँ पे बना जो कि बहुत ही अच्छे ट्रेड मिला फिर वहां पे कॉल साइड में भी मिला एंड उसके बाद सीधे यहां पे नीचे मतलब कि डाउन साइड में जो ट्रेड बना वो सीधे सीधे वन वे यहां तक आया ठीक है जो ट्रेलिंग प्रोसेस जानते हैं एंड ये सेटअप को जानते हैं वो आराम से इसको कर सकते थे वन मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सेटअप वर्क करता है प्रॉपरली एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जगह से ठीक है इस जगह से मैं दिखाना चाहूंगा मैंने लाइव मार्केट में भी आपको दिखाया था एंड अभी भी मैं दिखा रहा हूँ कि इसको एक बार जाकर टेस्ट करो सीखने का प्रयास करो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड इसको कह सकते हैं स्कैल्पिंग इसमें आप कर सकते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ हुआ होने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे दिया ठीक है अब इसमें किस तरीके से ट्रेड लेना है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी उसमें बता रखा है तो यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बनती एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट के साथ आप जा सकते थे बट यहाँ पे अगर जितने लोग नहीं जानते थे वो जाके अब से जाके उसको सीख लेंगे एंड इसको ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे नीचे साइड में आप देखोगे तो नीचे साइड में यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड इस जगह पे बनता है एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ठीक है पे आपको इस जगह पे कॉल साइड का ट्रेड बनता है एंड यहाँ पे देखोगे तो आप एग्जैक्ट फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिला जो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको ये uh, देखने को यहाँ मिला अगेन यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे डाउन साइड के लिए टारगेट मिला यहाँ पे आप देखोगे तो फिर यहाँ पे नीचे साइड मोमेंटम मिला ये भी अच्छा खासा पॉइंट दिया एंड यहाँ पे भी ऊपर साइड में भी मोमेंटम मिला जो कि अच्छा खासा पॉइंट दिया इसको आप एक बार सीख लोगे ना तो मजा आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देते हैं एंड जो एनालिसिस है वो मैं आप, आपको बताने वाला हूँ आगे मार्केट में क्या होने वाला ठीक है मैं इसको हाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था अभी फिलहाल के लिए पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो था वो एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे इस एरिया में ठीक है एंड इसके बाद कहीं ना कहीं छोटे छोटे एरिया में ये जोन बना के रह रहा था अभी तक ठीक है सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा टाइम पास किया हुआ है वन आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्लियर दिखेगा इस एरिया में काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे व्यतीत किया है ठीक है आप देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे साइड में निकलने का प्रयास कर रहा है जो कि अच्छी बात है लेवल भी है यहाँ पे मोमेंटम भी है तो यहाँ पे नीचे साइड में निकलने का प्रयास करेगा बट ये एरिया एक सपोर्ट है सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे कही कहीं ना कहीं पॉज लेने की कोशिश करेगा क्योंकि अभी देखो अभी हर एक स्टॉक इसके जो भी स्टॉक आप कहो अगर बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी आई सी आई सी वो सभी के सभी एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं ठीक है तो वहां पे उसमें भी थोड़ा थोड़ा करेक्शन आना चाहिए जैसा कि आप बैंक निफ्टी में आप देखें उसी तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वन वे मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में ठीक है डाउन साइड के लिए यहाँ पे आप देखो तो ये एरिया अभी के लिए बन रहा है ठीक है एंड उसके बाद बड़े बड़े लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है तो अब आपको करना क्या है आपको मेनली करना ये है कि अगर मार्केट ठीक है अब इसको फाइव मिनट पे आ जाते हैं फाइव मिनट में ज्यादा क्लियर व्यू दिखेगा यहाँ पे तो अब मार्केट को हम लोग को किस तरीके से देखना है क्या नजरिया होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है अभी के लिए आप क्या करोगे ये एरिया एक रेजिस्टेंस मार्क कर लो ठीक है एंड यहाँ पे फिफ्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से एंड यहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर करना है. इस जगह पे मार्केट आया ठीक है तुरंत फॉल नहीं किया पहले आया पॉज लिया फिर पॉज लेके फिर ऊपर गया फिर फॉल किया यानी कि ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है ठीक है ये लाइन थोड़ा सही कर लेना ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे इसको ऊपर साइड में क्रॉस करना एक बहुत अच्छी बात होगी अगर ये ऊपर साइड में ओपन होता है तो यहाँ पे पॉज लेके ऊपर साइड निकलने की कोशिश इसकी भरपूर रहेगी बट दूसरी चीज एट द एकदम पॉइंट पे अगर ये खुलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल करने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे ठीक है तो नीचे साइड का लेवल आपका ये रहेगा पुराना जो लो है ये रहेगा एंड देन उसके बाद जो और लो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी के आसपास का टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है ठीक है तो आप नीचे साइड में ये एरिया देखोगे सपोर्ट एंड सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे साइड एकदम एग्जैक्ट नीचे साइड के लिए ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अब एक चीज का खास ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो कॉल साइड के लिए प्लान यहाँ पे रेडी रहेगा एंड यहाँ पे कट टू कट खुलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग वेट करेंगे कि ये जो रेड कैंडल है स्मॉल जो रेड कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे ठीक है इस रेड कैंडल को कहीं ना कहीं ये ब्रेक करे ठीक है इसको मार्क कर लेना इस तरीके से मैं एक बार इसको हटा देता हूँ ठीक है देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना इसको मार्क कर लेना ये जो रेड कैंडल है ना इसको मार्क कर लेना यहाँ से ऊपर चांसेस जाते रहेंगे नीचे साइड के ऊपर के लिए बहुत कम रहेंगे क्योंकि ऊपर साइड में रेजिस्टेंस रहेगा एक विग बनाने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे कैंडल नीचे आके ही यहाँ पे क्लोज करेगी ठीक है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए आप प्लान रखना यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना के रखना यहाँ पे यहाँ से पॉज लिया ऊपर गया पॉज लिया ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आके फिर अगर पॉज लेता है तब तो ठीक है नहीं लेता है तो सीधे वन वे नीचे साइड के लिए प्लान रेडी रहेगा अब हम लोग का यहाँ पे प्लान देखेंगे निफ्टी फिफ्टी में निफ्टी फिफ्टी में क्या प्लान बन रहा है ठीक है निफ्टी फिफ्टी देखो आप निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे लाइन्स यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी तो मैं इन सभी लाइनों को पहले सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ उसके बाद फिर से हम लोग प्लान बनाएंगे यहाँ पे ठीक अब यहाँ पे देखो एक जगह पे ध्यान दो इस जगह पे ध्यान दो क्या मैं बोल रहा हूँ आपको ये देखो इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस जगह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से ठीक है यहां से लाइन बन रही है ये तो मार्केट ओपन हुआ है इसकी वजह से ये गैप अप हुआ था ठीक है तो इस जगह से इस तरीके से लाइन बन रही है ट्रेंड लाइन पे ही कहीं ना कहीं ये अभी जाके क्लोज किया है तो आप खास चीज का ध्यान रखना यहाँ से जब ये फॉल किया था डाउन साइड के लिए आया था ठीक है फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया था फिर डाउन साइड के लिए आया था फिर कंसोलिडेट करके ऊपर गया था फिर डाउन साइड के लिए आया था फिर कंसोलिडेट करके यहाँ पे पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है यानी कि ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है यानी कि यहाँ से अगर मार्केट निकलता है ठीक है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर सेवेंटी एट्टी के आसपास से अगर ये ऊपर साइड में ओपन होता है मेन चीज यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे इस जगह पे अगर इसके ऊपर निकलता है ठीक है ऊपर खुलता है तो यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस है इस एरिया में ठीक है इस एरिया में कई सारे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को फेस करके ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा ठीक है एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे तो ये ना एक ट्रैप करने की कोशिश में रहेगा कि एक साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पे देखने को मिल मिल सकता है इस एरिया में ठीक है तो यहाँ पे नीचे ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम देखने को चांसेस काफी हाई है और एक चीज का और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये यह जो रजिस्टेंस है अगर रजिस्टेंस के ऊपर कहीं खुलता है तो यहाँ पे एक पॉज लेके फिर से ऊपर साइड में जाने की प्लान रेडी रखना और साथ में एक चीज और देखना कट टू कट अगर खुलता है यहाँ पे कट टू कट यहाँ पे अगर खुलता है तो यहाँ पे कहीं कहीं ना एक सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है तो डाउन साइड के लिए भी रेडी रहना पे जहां पे खुलेगा जैसा खुलेगा वैसा सेटअप बनाना ठीक है ये नहीं कि अब कुछ भी खुल जाए आप सेटअप बना रहे हो नहीं पहले प्लांस रेडी रखो आप अगर आप मार्केट में हो तो पहले प्लान रेडी रखो अगर गैपअप खुलता है रजिस्टेंस के ऊपर खुलता है अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो क्या करोगे आप सारे प्लान्स को रेडी रखो अब यहाँ पे देखो कट टू कट यहां पे खुल गया अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि अगर ये गैप डाउन खुलता है गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉज लेके इस एरिया में पॉज लेके फिर से कहीं ना कहीं ऊपर साइड निकलने के चांसेस काफी हाई रहेंगे बट एक चीज का ध्यान रखना ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये लाइन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेगा और अगर ये लाइन आपको रोकता नहीं है